ऐसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं आपको 50 रुपीज़ मेरे को रिसीव हो चुका, तो जाकर हम लोग पेटीएम पे चेकआउट कर लेते हैं क्योंकि 50 रुपीज़ रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। सिम से मैं पेटीएम खोल लिया, खोलने यहाँ पे पासबुक हम लोग जाते हैं क्योंकि रिसीव हुआ है। तो सिम से मैं टैप किया, वो भाई मेरे को 50 रुपीज़ रिसीव हो चुका है कैंपी रूट की तरफ से। सिम से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ के सामने दिखाया कि मेरे को 50 रुपीज़ रिसीव हुआ था। आपको कुछ करने वीडियो के कैंपी रूट का लिंक दिया, टैप को यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर सिम से आपके सामने कुछ डिसीजन मिल जाएगा। यहाँ पे आने का आपको फर्स्ट स्टेप अभी तक आपको एक कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। प्रेस करके कॉपी करने के बाद सिम से आपको यहाँ पे अपना पेटीएम नंबर दे देना है, जिस पेटीएम नंबर में आपको 50 रुपीज़ है। ठीक है, जब मैं क्या कहता हूँ, जो भी मेरे पास पेटीएम नंबर है ना, यहाँ पे अपना फिलअप कर देना। ठीक है, जब मैं अपना पेटीएम नंबर डाल दूंगा, डालने का यहाँ पे जो कीबोर्ड को है ना उसको हटा देना है आपको, और उसको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको सबमिट कर देना, सबमिट कर देना, सबमिट जैसे कर दोगे तो आप प्ले स्टोर पर आ जाना। पिकाचन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना, पर याद रखना न्यू यूजर ओनली है, कभी आपने अपने फोन इसको इंस्टॉल करके ना रखा। ठीक है, याद रखना, इंस्टॉल करना, ओपन कर लेना, आई एग्री का बटन देखिएगा, यहाँ पे एग्री कर लेना। करने का जैसे अपना मोबाइल नंबर डालने को बताएगा, तो आपके जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना, जैसे डालोगे तो इस पर ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, तो अपना ओटीपी आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, जो भी आपके पास ओटीपी आया। ठीक है, यहाँ पे अपना ओटीपी सबमिट कर देता है, सबमिट करेगा आपको कुछ बेसिक डिटेल मांगा, जैसे कि यूजर नेम, तो अपना नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जब अपना अपना नाम डाल देता, डालने का उसके नीचे ना आपको अपना जेंडर पूछेगा, तो जेंडर भी सिलेक्ट कर लेना है। बजट पूछेगा तो 18 साल के ऊपर का आपको बजट दे देना है यहाँ पे। तो मैं क्या कहता हूँ, 18 साल के ऊपर का बजट दे देता, देने का यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट कर यहाँ पे कोड डालने को बताएगा, जो आपको मैंने कोड बोला था कि कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, जो आपके स्क्रीन के सामने भी दिख जाएगा, वो आपको कोड यहाँ पे ना डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कोड अपना यहाँ पर डाल देता, जो भी कोड डालने का आपको जो बॉक्स बना हुआ यहाँ पे टिक कर देना, आपको जिस पर टिक कर देता, कंट्री पर क्लिक कर देता, जैसे क्लिक करूँगा सक्सेसफुल साइन अप हो जाएगा। तो आपको जाकर अपना पेटीएम चेकआउट कर लेना, जैसे चेकआउट करोगे आपको दिख जाएगा 50 रुपीज़ इश्यू हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।